हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मदर कड़िया। सो लास्ट वीडियो हमने आपको इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस करवाए थे एंड 8-9 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हमने आपको भी लगाने दिए थे। उम्मीद है आप लोगों को लगा लिए होंगे। सो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 5.5 को हमने कम्प्लीट करा दिया था। आज हम आपके लिए 5.6 एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है ये हमारी डिपेंड है पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे। किस पे डिपेंड है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे। तो होते क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हैं कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे एक एक करके। ओके, सो जैसे कि आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, 11th में पहले पैरामेट्रिक क्लियर करना है, ठीक है, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। 11th में एक चैप्टर था कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के कई पार्ट थे, आपने पढ़े थे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, यही चीजें पढ़ेंगी। यहां पर इन सभी इक्वेशंस की जो इनकी इक्वेशंस आती थी उनकी आपने पैरामेट्रिक पढ़ी। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी, जैसे कि अगर हमें याद है एक तो बता दूं, जैसे आपको बाकी तो थी तो सभी की, जैसे पैराबोला की आपने पढ़ी थी, सर्कल की भी पढ़ी थी, एलिप्स की भी पढ़ी और हाइपरबोला की पढ़ी थी। पैराबोला की पढ़ी होगी x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये पैराबोला थी। ऐसे ही इसकी पढ़ते हैं x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा हम पढ़ते थे, ठीक ना, यही मिलते थे। इसी प्रकार एलिप्स के पढ़ते थे x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, ठीक है। हाइपरबोला की हम पढ़ते थे x इक्वल टू a sec थीटा, y equal to b tan theta। तो मतलब इन सबसे में मतलब नहीं है, मतलब है क्या यहाँ पे मेन जो m है हमारा जो समझना है, ये चीज समझ गया कि जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें गिवन की जाती है तो दोनों फंक्शंस गिवन होते हैं, x भी गिवन होगा और y भी गिवन होगा, x भी गिवन है और y भी गिवन है, लेकिन एक अननोन वेरिएबल में, एक दूसरे वेरिएबल में गिवन है। जैसे यहाँ x किस में गिवन है, t में गिवन है, y भी t में गिवन है, यहाँ x थीटा में गिवन है, यहाँ y भी किस में गिवन है, थीटा में। सो अब जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें बुक के, वो इसी टाइप की इक्वेशन गिवन होगी, x इक्वल टू भी गिवन होगा, ठीक है, एंड y इक्वल टू भी गिवन होगा। दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं एंड दोनों में जो वेरिएबल आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, t आ रहे होंगे या तो थीटा आ रहे होंगे, कुछ भी आ रहा होगा। और हमसे फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा dy अपॉन dx। क्या फाइंड आउट करना होगा, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने कहा जाएगा, ना ही हमें dx अपॉन dt पूछा जाएगा ना dy अपॉन dt पूछा जाएगा, गिवन ये फंक्शंस होंगे, लेकिन फाइंड आउट क्या करना होगा, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना होगा। सो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हमें समझना है, ठीक है। सो एक मिनट के लिए थोड़ा लिख देते हैं कि कैसे करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करवाते हैं। Differentiation of function, in parametric form, किस form में given है, parametric form। जैसे हमने assume कर लिया let x equal to f of t है, x जो function है वो किस variable में, t के function में, t variable में, and y भी जो फंक्शन है वो दूसरा एक फंक्शन है, वो किसके वेरिएबल में, t के वेरिएबल में। देन अब अगर हम dy upon dx फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना, हमें पता है कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल में गिवन होता है डिफरेंशिएट उसी रिस्पेक्ट में होता है, तो x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो वेरिएबल है t वेरिएबल है तो t के में रिस्पेक्ट में होगा, अगर थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में होता। फाइंड आउट हमें dy upon dx करना है, तो जो हम dy upon dx निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटी बात है, dy upon dt को मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे dx upon dt से, और यही हमें यहां पर यूज करना है कि dy upon dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy upon dt को डिवाइड कर देंगे किससे, dx upon dt से। अगर हम देखें तो dt और dt हट जाएंगे, दोनों हटने के बाद हमारे पास बचे रहते हैं dy upon dx, तो बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या होगा, एग्जांपल देते हैं, जैसे x इक्वल टू है हमारे पास 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू है 280,
एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीवाई अपॉन डीएक्स। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ध्यान से करना, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी और क्वेश्चन करवाएंगे। एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डीएक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, 80 स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वायर का होगा, पावर टू है, पावर कहाँ आएगी आगे, तो 280 हो जाएगा। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड, सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई का हो जाएगा डीवाई अपॉन डी टी। 2a कांस्टेंट वैल्यू है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 into 2a कितना आएगा, 2a आ गया। ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। क्या कर देंगे हमने, क्या कहा, dy / dt को डिवाइड करेंगे, dy / dt को, हमें ऊपर dy चाहिए ना, तो जो ऊपर चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, नीचे dx चाहिए, तो dy / dt को dx / dt डिवाइड करना है, तो डिवाइड इक्वेशन 4y थर्ड। सो ये dy / dt ऊपर आ जाएगा एंड टोटल अपॉन में हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2a अपॉन 280 वैल्यू। सो dt dt हट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2a एंड 2a भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा आंसर 1 अपॉन t। बात क्लियर। सो यही क्वेश्चन हमें करने हैं जो अगले एक्सरसाइज, ये इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। x इक्वल टू गिवन होगा, y गिवन होगा, डिफरेंशिएट करना है आपको, ये चीज काफी कर चुके हो तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल माइंड में घुस गया होगा। ठीक है, कई बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, तो डिफरेंशिएट वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में करना है, अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते, dx / dt निकाल लेंगे, dy / dt फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन करने हैं। सो पहले आप अगर चाहो तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं NCERT की 5.6। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया वो, अब एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या हैं उन्हें देखते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको समझनी है, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे लग जाएंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन कितना सिंपल, कोई चैप्टर ही नहीं है, एक तरीके समझ लीजिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है। क्वेश्चन जो गिवन है 5.6 एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड, वही करना है, फाइंड क्या करना है हमें, डिवाइड अपॉन डीएक्सी फाइंड आउट करना है। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, तो 6 तक आज करवा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करवा देंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आज क्लियर करके छोड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 की पावर 4। x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 की पावर 4। तो ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन और ये इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx / dt आ जाएगा हमारे पास में, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का होगा और t स्क्वायर का कितना हो गया 2t, तो ये हो जाएगा 4a t। ये किसकी वैल्यू हो गई, dx / dt इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy / dt निकालेंगे हम, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a लिखा रहेगा t की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4t³, तो 4at³ हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या निकालना था, हमने क्या कहा था, dy / dt को डिवाइड कर देंगे dx / dt से, तो डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 4th / 3rd। सो dy / dt टोटल अपॉन dx / dt इक्वल 4at³
टोटल अपॉन 480। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 4a कैंसिल हो जाएगा और t से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब बचेगा क्या t स्क्वायर, और ये क्या बचा dy अपॉन dx। क्लियर क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो नोट कीजिएगा, हमने वही किया, पहले dx को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। सो नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़े। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y इक्वल टू b cos थीटा, दोनों सेम है, एक में a cos थीटा है और एक में y इक्वल टू क्या है b cos थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट क्या करना है, मतलब डिवाइड पॉइंट x फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, अब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि यहां वेरिएबल थीटा आ रहा है, सो dx / d थीटा निकालेंगे। एक कांस्टेंट है cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी हो गई dx / d थीटा की, ठीक। अब अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy / d थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। a लिखा रहेगा फिर से, यहां cos थीटा ही है तो फिर माइनस साइन थीटा हो गया डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा सॉरी ए नहीं ये बी है, वाई में बी है ये, तो बी आ जाएगा, तो ये हो गया बी साइन थीटा, वो भी माइनस का। क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देंगे डी एक्स वाई डी थीटा से, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस बी साइन थीटा एंड टोटल अपॉन ये है माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा एंड इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। दो दो मिनट के क्वेश्चन हैं, पांच पांच लाइन के से आना नहीं, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएशन किसी का लेंथी हो जाए, ये हो सकता है कहीं पर डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंथी हो जाए तो अलग बात है, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन लेंथी है, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो पता है आपको, डिफरेंशिएशन करने के बाद डिवाइड करना है और जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कभी कभी फॉर्मूले लगने लगते हैं, बीच में फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, अदरवाइज और कुछ लेंदी नहीं होने वाला है। सो नोट कीजिएगा फिर आने का। ओके हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल टू साइन t एंड कॉमा y इक्वल टू cos 2t, तो x इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू cos 2t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, सो वही है डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर इसको हिंदी में आप हिंदी मीडियम में जो लोग इसको क्या लिखेंगे t के सापेक्ष, इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का t के सापेक्ष अवकलन करने का बस, ठीक है और कुछ नहीं है, बाकी इंग्लिश में भी लिख देते हैं अगर हिंदी में हमारे तब भी कुछ गलत नहीं है, हो जाएगा सही। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं x का dx / dt, sin t का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला आता है, क्या आएगा cos t, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, सेकंड को कर रहे हैं तो y का dy / dt,
अच्छा कॉस टू टी है, पहले तो कॉस का करेंगे फिर टू टी का आगे करेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन टू टी, एंगल में टू टी का तो टू टी आ गया, माइनस साइन टू टी, आगे डिफ्रेंशिएट किसका होगा टू टी का, तो आपको पता है टू टी का डिफ्रेंशिएशन टी का वन हो जाएगा, टू बचा रहेगा, मतलब ये क्या हो गया माइनस का टू साइन टू टी, माइनस का टू साइन टू टी, बात क्लियर हो गई। सो अब क्या करेंगे डिवाइड, ये हो गया फोर्थ, हमने बताया क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय थर्ड, सो डिवाइड अपॉन डीटी को डिवाइड कर रहे हैं dx upon dt से, dy upon dt को डिवाइड कर रहे हैं dx upon dt से, तो माइनस साइन टू टी एंड टोटल अपॉन, टोटल अपॉन में क्या है cos t, तो dt dt हट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा dy upon dx। हाँ अब यहाँ पे जैसे है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन टू टी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन टू टी का फॉर्मूला ओपन करके cos t कैंसिल हो जाएगा, तो साइन टू टी का फॉर्मूला होता है टू साइन टी cos t, ऑलरेडी आगे 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 sin t cos t, हमने यही कहा जहां पे अगर फॉर्मूला कहीं ओपन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के तो उस फॉर्मूले का आप ओपन कर दीजिएगा बस, फिर उसके बाद अगर कैंसिल आंसर हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिएगा, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4 sin t, क्लियर, तो क्योंकि यहां पे फॉर्मूला ओपन होके cos t कैंसिल हो रहा था, अदरवाइज अगर कैंसिल ना होता तो यही छोड़ देते हमारा आंसर सही हो जाता, सो फिर भी वही डिफरेंशिएशन ही मेन है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़े। ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फोर नंबर क्या है, सभी ऐसे आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको क्या करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का थोड़ा बहुत सॉल्व, सॉल्विंग के बाद आपके पास जो भी बचेगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्स इक्वल टू फोर टी कॉमा वाई इक्वल टू फोर अपॉन टी, सो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे डीएक्स अपॉन डीटी, अपनी लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी वो लिख लीजिएगा डायरेक्ट करना, फोर टी का डिफरेंशिएशन फोर हो गया सीधे आ जाएगा, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, अच्छा फोर अपॉन टी है तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं वाई इक्वल टू फोर टी की पावर माइनस वन, ये भी लिखा जा सकता है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन t की पावर माइनस वन का होगा तो पावर कहाँ आएगी आगे, अब वैसे मैं याद भी करवाया था कि जैसे हमने वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कहा था, आप लोग लर्न कर लो क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये याद होना चाहिए वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो वैसे ही अगर t करते हैं तो t में भी वही चीज आएगी ना, यहाँ एक्स क्या आ जाएगा टी, देखिए भी चलो देख लेते हैं पावर कहाँ आएगी आगे, तो माइनस फोर हो गया, पावर से एक और कम तो माइनस टू हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे डीवाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर रहे हैं डीएक्स अपॉन डी टी से, यहाँ पर हमने वो लाइनें सब हटा दी थी, आपको लिखनी है वो लाइनें डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी जैसे भी लिख रहे हैं, ये सेकंड फिर डिवाइड कर रहे हैं, ये सब आप लोग लिखिएगा, डीवाई अपॉन डी टी जो है हमारे पास डीवाई अपॉन डी टी क्या है माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या है फोर, तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डीवाई अपॉन डी एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, सो सिंपल क्वेश्चन था, केवल डिफरेंशिएशन आपको अगर क्लियर है तो ये चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सो इसको भी नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन है हमारा x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू गिवन है sin थीटा माइनस sin
टू थीटा फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल थीटा आ रहा है तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। सो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स पॉइंट डी थीटा निकालना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस टू थीटा है ठीक है, तो डिफरेंशिएट उसी हिसाब से होगा। फंक्शन जो हमारा कॉस टू थीटा का होता है माइनस साइन, ऑलरेडी माइनस लगा क्या हो जाएगा प्लस साइन, साइन टू थीटा का साइन टू थीटा हो गया, डिफरेंशिएट करा ना कॉस टू थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, और आगे डिफरेंशिएट किसका होगा इनटू में टू थीटा। तो बात क्लियर हो गई, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट डायरेक्ट किया है, एक बार फिर समझ लेना। वैसे कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू थीटा का करेंगे कितना आएगा टू, तो हमारे पास निकल के आ गया माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई थर्ड। अब क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डीवाई अपॉन डी थीटा निकलेगा डायरेक्ट। फिर देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा और टू थीटा का टू। सो हमारे पास यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, ये वैल्यू हो गई डिवाइड अपॉन डी थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाई थर्ड। सो डीवाई अपॉन डी थीटा डिवाइड हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा से, हमें मिल जाएगा डीवाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा टोटल अपॉन माइनस साइन थीटा एंड प्लस टू साइन टू थीटा। डी थीटा डेटा हट जाएगा, डीवाई अपॉन डी एक्स निकल आएगा, तो ये दोनों हटने के बाद हमारे पास डीवाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा टोटल अपॉन पॉजिटिव वाला आगे ले आते हैं टू साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा, यही आंसर होगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है वैसे, कॉस यहाँ पे टू आ रहा है, टू अगर ना आता तो ठीक था, यहाँ पे चाहे तो इसको मोबाइल कर सकते हैं साइन टू थीटा कॉस थीटा करके, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा फोर कॉस थीटा माइनस वन। फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा, नोट कर लीजिए यही आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, नोट कीजिए यही आंसर है ठीक है, कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा अपॉन टू साइन थीटा। फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगता जैसे यहाँ टू ना होता सपोज दैट, एक मिनट के लिए अगर यहाँ पे टू ना आया होता तो फॉर्मूला लग जाता कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी ठीक है, जो आपने इलेवंथ में पढ़ा, बट ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है, टू आने की वजह से फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। सो यही आपका आंसर होगा, नोट करिए फिर इसका अगला होगा बताते हैं। तो हो गया होगा, फिर इसके आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, एक क्वेश्चन और आज करवाते हैं, आज सिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़े लेंदी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे ठीक है। सो आपको इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो हो उसमें मिल जाए तो लगाइएगा, टी के टर्म्स में हो थीटा के टर्म्स में हो ट्राई करिएगा, बाकी फिर हम आगे करवाएंगे। क्वेश्चन है सिक्स नंबर, y x इक्वल टू a ब्रैकेट में है थीटा माइनस साइन थीटा एंड y ब्रैकेट में है a इन द ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा। सो आपको देख दिया होगा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में। सो ये फर्स्ट ये सेकंड, आप लोग यहाँ पर लाइन लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो सीधे आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन वन ऐसे रहेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा। ये लाइने आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब हम इतने क्वेश्चन में लिखवा चुके हैं तो राइट होंगे। वाई ए ऐसे रहेगा, वन का डिफरेंस ये सर जीरो, एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास ये आ का गया माइनस का ए साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर फोर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाई थर्ड, डिवाइड करिएगा, डिवाइड वही आंसर डी वाई बाई डी थीटा टोटल अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल माइनस ए साइन थीटा एंड अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा और इनटू में क्या है इसके ए। तो आप अगर देखें तो यहां पे कैंसिल हो रहा है, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे बचा वन माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ एंगल में इनको ओपन करके कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा को ओपन करें तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू टोटल अपॉन कॉस थीटा को ओपन कर लेते हैं कि वन कैंसिल हो जाए तो वो साइन वाला ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ध्यान देना यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूले में वन माइनस होता है बट माइनस की वजह से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। सो वन से वन कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस का टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू और टोटल अपॉन में है प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे टू से टू कैंसिल हो गया, साइन से इसकी पावर कैंसिल हो गई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। सो लास्ट टाइम यहाँ पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, सो डी वाई अपॉन डी एक्स एट द लास्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू टू कैंसिल हो गया, साइन से साइन की पावर कैंसिल हो गई, कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू मतलब माइनस का कॉट थीटा बाई टू और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? सो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था, फॉर्मूला ओपन कर सकते थे तो हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, अदरवाइज अगर कोई फॉर्मूला में नहीं दिखता, फॉर्मूला नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे आंसर छोड़ देते, हमारा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। सो अगर फॉर्मूला का यूज हो सकता है तो वहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करिएगा, अदरवाइज नहीं यूज हो रहा है तो कोई बात नहीं, वहीं पे छोड़िएगा, वही आपका आंसर होगा। सो फिलहाल इतना हो नोट कीजिएगा, फिर आगे देखिए। ओके, नोट हो गया। सो फाइनली आज इतने रखते हैं, आज वीडियो थोड़ी छोटी रख रहे हैं, आप सभी लोग देखिएगा जल्दी से और अधिक से अधिक टाइम अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकालिएगा जिससे आप लोगों की पढ़ सके, ठीक है। वीडियो देखने के साथ साथ चीज़ें जब समझ जाएँ, समझ में आ जाएँ तो खुद को जब टाइम नहीं देंगे तब तक कोई फायदा नहीं वीडियो देखने। सो वीडियो देखने के बाद आप खुद प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो और बनाया। नेक्स्ट वीडियो होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी हैं, ये क्वेश्चन भी सिंपल थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। सो फिलहाल इतने आप लगाइएगा, इस बेसिस पे जितने क्वेश्चंस आपके पास हों दूसरी बुक्स में वो लगाइएगा, इसको करवाने के बाद फिर हम ये जैसे एक्सरसाइज हो जाएगी फिर इसके एडवांस लेवल की भी करवा देंगे, इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करवा देंगे, सो आपको और प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। सो बाकी लगाते रहिएगा, पीछे का रिवाइज करते रहिएगा, जिस दिन वीडियो ना अपलोड हुआ करें उस दिन आप पीछे का रिवाइज कीजिएगा, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको कवर कीजिएगा और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जितना पढ़ सकें, ठीक है। सो फिलहाल आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।